सो रेड फोर्ट का हो गया काम, हम लोग आज जितना घूमना घूम लिए। अब हमें करनी थी शॉपिंग, छोटे छोटे सामान लेने थे, राइट। इसके लिए हम लोग आए यहाँ पे एक मंदिर, रेड फोर्ट के जैसे सामने जो मंदिर है उसके बाजू में ये रोड है, पता नहीं यहाँ पे क्या कहाँ मिलने वाला है, अपने को देखना पड़ेगा ब्रो, राइट। सर गली है, गली में घुसेंगे ना पूरा लाइन से हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक शॉप के मार्केट में, और यहाँ और हम लोग बैग भी आगे रखेंगे क्योंकि इतना भीड़ है तो यहाँ चोरी होने का भी चांसेस उतना ही है, तो राइट अपने को देखना पड़ेगा क्या सीन है। आगे चलते हो, देखते कुछ अच्छा मिला तो मैं पक्का दिखाऊंगा। बाप रे ये हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, हेलीकॉप्टर देखते क्या सीन है। तो मेरे को एक मोबाइल होल्डर लेना था तो यहाँ पर आने दिखा। 250 यही अलग क्या? और होल्डर मतलब एक मोबाइल के लिए सिर्फ कि कैमरा में हो जाएगा? मोबाइल भी लगेगा इसमें, कैमरा भी। कैमरा सपोर्ट नहीं कर पाएगा भाई, वेट कैमरा वेट नहीं सपोर्ट कर पाएगा भाई। मेरे भाई लगा दे कैमरे के लिए, हम खुद लगा के चाहिए। तो होल्डर तो मिल गया हमें और जो लेना था वो तो हो गया। सो फाइनली मेरा आग दिख रहा है, तो फाइनली मैं ले लिया मोबाइल होल्डर। अब थोड़ा सही लग रहा है मेरे को क्योंकि अब मैं बीच में आ रहा हूँ और एक डिस्टेंस भी है, ठीक है। मेरी आवाज़ का मेरे को अभी भी नहीं पता क्या सीन है, ठीक तो हो गया था वैसे आवाज़, राइट। यहाँ और यहाँ पे पता चला कि जूता हमें यहाँ नहीं मिलेगा, जूता कोई एक अजीब नाम है, नाम क्या था नीरज? बल्ली मरान ऐसा कोई नाम है, हमें वहाँ जाना है जो यहाँ पे 1.2 किलोमीटर दूर है, तो हम वहाँ चलते हैं, राइट। वहाँ चलते हैं, हम मिलते हैं। Of my deepest needs, you were there, I knew, now you know me. But when we met, I swear I came alive. My heart turned to jelly and I'm googly eyed. Same old story with a zesty twist. I'm ready to relax. ब्रो कसम से बहुत देर से हम लोग चल रहे हैं, हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई है। अभी भी 450 मीटर हमें चलना है, वो भी हमें बहुत बड़ा लग रहा है, राइट। है कि नहीं नीरज? फट गई है यहाँ से, मनाली भी जाना है, शिमला भी जाना है, वहाँ पे भी हम चलेंगे कितना पता नहीं, बहुत हालत ख़राब होने वाला ब्रो। जो भी मज़ा आ रहा है। सो फाइनली हम लोग ये बल्ली मरान गली पहुँच गए, राइट। यहाँ से लेफ्ट है, हाँ। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे जूते की प्राइस रहती है, कैसे मिलता है सामान, राइट। भीड़ तो अच्छा खासा है, मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे सस्ते जूते कहाँ मिलेंगे कोई आइडिया नहीं, अपने को देखना पड़ेगा। यहाँ का सीन देखो ब्रो ऐसा है, यहाँ पे कोई एक दुकान अपने घुसना पड़ेगा। चोरी का भी बहुत डर है ब्रो क्योंकि जितना यहाँ भीड़ है ना उसके हिसाब से आपको अपने सामान मेरे जैसे सामने रखना बहुत ज़रूरी है, वरना कब गायब होगा नहीं पता, राइट। और अभी तक मेरे को कोई जूता दुकान मतलब जो मैं चाह रहा हूँ उस टाइप का मेरे को दिखा नहीं, मेनली लेडीज़ का ही दिख रहा है। देखते हैं और आगे जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो भाई लोग हम लोग बेफालतू उतना आगे गए, वहाँ पे जितने थे उतने ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, आगे पूरे चश्मा का दुकान है। तो अपन वापस जा रहे हैं, हालत ख़राब हो गई चल चल के, लिटरली बहुत गंदा हालत हो गया हमारा। नीरज क्या हालत है? उसमें तो सूट भी होता है, वही बंदा टाइप का आता है। तो अब जो भी दुकान वहाँ पे उसी में से हम देखेंगे, उसके बाद लेंगे, और कुछ बोल नहीं सकते। तो अपन बैठे हैं, हाँ वो ठीक है, ऐसे पकड़ लो ब्रो। यहाँ पे गाड़ियाँ कहाँ पार्क किया जाता है दिखा दो,
ये देखो पूरे गाड़ी ऐसी आधा ऊपर आधे नीचे ही लगा हुआ है, पता नहीं क्यों कैसे। और ये भी वैसे लगाने वाले, क्या पता भाई, एक कार भी जा रही है वैसे ही लगने चढ़ा देंगे ये लोग। यहाँ पे सब गाड़ी ऐसे ही पार्क कर रहे हैं, मेरे को पता नहीं क्यों ये लोग कार क्या कर रहे समझ नहीं आ रहा। कार को कार टाइप का ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कहीं भी चढ़ा दे रहे हैं, यहाँ का अलग ही सीन है ब्रो। भाई यहाँ के लोगों को बताओ ये कार है थार नहीं। कहीं भी चढ़ा दे रहे, कुछ आइडिया नहीं है यहाँ के। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, मिलते अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, हमेशा खुश रहो। साइनिंग आउट शेरी, बाय। जितनी शॉपिंग थी हमारी सब चीज़ हो चुकी है, हम जा रही है वापस ट्रेन, तो यहाँ पे खत्म।